हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, YouTube का फिर से एक नया अपडेट आ चुका है और ये अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है यूट्यूबर्स के लिए। तो क्या अपडेट है, किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है त्यागी जी टेक चैनल। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब दोस्तों बात करते हैं अपडेट के बारे में। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जैसे आप अपनी वीडियो में कोई भी सॉन्ग वगैरह यूज़ कर लेते थे तो उस सॉन्ग पे आपको आ जाता था कॉपीराइट क्लेम। फिर उसकी जो उस वीडियो की अर्निंग थी जिस पे आपने म्यूजिक यूज़ किया है उसकी अर्निंग उसको जाती थी जिसने कॉपीराइट क्लेम भेजा होता था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था कि क्रोम में जा कर के अंदर चैनल की सेटिंग में जा कर के आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना पड़ता था। तो वो एक मुश्किल भरा कार्य होता था जिससे बहुत सारे यूट्यूबर उस वीडियो को ही डिलीट कर देते थे या उसकी पूरी की पूरी अर्निंग उस वीडियो की उसको चली जाती थी जिसने कॉपीराइट क्लेम भेजा होता था। तो अब दोस्तों यूट्यूब ने क्या किया है के YT स्टूडियो एप्लीकेशन से ही आपको कॉपीराइट क्लेम हटाने का ऑप्शन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्रोम में अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है कॉपीराइट क्लेम को हटाने के लिए। आप डायरेक्टली YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करके कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं और जैसे ही आप कॉपीराइट क्लेम को हटा देंगे YT स्टूडियो एप्लीकेशन से तो उस वीडियो की जो अर्निंग है ना जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया था उस वीडियो की पूरी अर्निंग आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अपडेट होने वाला है सभी यूट्यूबर्स के लिए। आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा कि YT स्टूडियो से कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट भी अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।